वेलकम टू संजय मैथ्स। संजय मैथ्स में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं, परसेंटेज टॉपिक है हम लोग का, और परसेंटेज में आज मैं बात करने वाला हूँ पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में मैं कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। परसेंटेज का टॉपिक है हम लोग का, ये परसेंटेज टॉपिक है ना, और यह वीडियो पार्ट थर्ड वाला वीडियो आपको रहेगा दोस्तों। तो चलिए मैं देखता हूँ इसमें क्वेश्चंस क्या है। मैं बिना देर के क्लास को स्टार्ट करना चाहता हूँ दोस्तों। ये तमाम उन बच्चों के लिए काम आने वाला है जो भी बच्चे फिलहाल अभी झारखंड जो SSC GT निकलने वाला है या निकल गया है उसकी तैयारी में लगे हों उसके लिए, और साथ ही साथ SSC GT के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हों उनके लिए भी यह वीडियो काम आने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ SSC GT या झारखंड GT के लिए, है ना, झारखंड कांस्टेबल पुलिस के लिए। तीसरा वीडियो हमारा आ रहा होगा दोस्तों। चलिए मैं क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। 21 में कह रहा है कि देखो, एक व्यक्ति की मासिक आय 5,000 रुपया है, यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, 5,000 रुपया किसी व्यक्ति का मासिक आय है, 30% बढ़ गया। 30% बढ़ गया मतलब क्या है, 130% हो गया, और बढ़ने के बाद इतना हो जाता है, तो उसका मासिक आय क्या होगी बढ़ने के बाद। 1-2 0 कट गया आपका, तो 13-5 65 65 बोले तो कितना आ जाएगा, 6,500 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग को समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिंपली आपको देख पा रहे होंगे बस 130% मैंने निकाला और इसका वैल्यू निकल कर आ गया 6,500 रुपये, और 6,500 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 क्वेश्चन नंबर को ध्यान रखिएगा। यह कह रहा है कि जब किसी संख्या में 35 घटाया जाता है तो वह संख्या 80% हो जाती है। तो देखो, मान लो पहले कोई संख्या अगर 100 रही होगी, उसमें 35 मैंने घटा दिया तो 80 हो गई, मतलब क्या कि इसका 20% ये 80% हो गई। तो जब इसको इधर से साइड चेंज करेंगे तो आ जाएगा 20%, और 20% का मान हमारा 30% आ जाएगा, तो 100% का मान क्या होगा, तो यह 5 गुना हो गया, तो 5 गुना ये भी हो जाएगा, 35 गुना 5 ये बनेगा आपका। अब वह बोला है कि उस संख्या का 4/5 निकालना है, तो 4/5 निकालने के लिए क्या करना है, 4/5 से गुना कर देंगे दोस्तों, ये और ये कट जाएगा 35 गुने 4, यानी कि 140 इज द करेक्ट आंसर। 140 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो आप देख पा रहे होंगे हम लोग को जनरली करना क्या होता है, सिंपली आपको छोटा सा काम करना क्या है कि देखो जी, वह संख्या मान लो 100% है, 100% में से 35 मैंने घटा दिया तो कितना हो गया 80%, और यहाँ पर मैंने जब इसको साइड चेंज कर दिया तो आ जाएगा 20% का मान 35, तो 100 का मान 100, 35 गुने 5 आ जा रहा था, उसमें मैंने उस संख्या का 4/5 निकाला है, तो 4/5 निकालने के बाद आप देखेंगे क्या कि आपका आंसर 140 आएगा। आप इतना भी नहीं करते, ये बोल रहा है कि घटकर 80 हो गया, मतलब पहले 100 होगा बाद में घटकर 80 हो गया, अंतर कितना 20 का, और ये 20% का मान अगर आपका कितना दिया हुआ, यह दिया 35 दिया, तो यहाँ मैंने 35 कर दिया, तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 35 गुने 5 यह हो जाएगा हमारा ओरिजिनल नंबर। अब उस संख्या 4/5 पूछा था, तो 4/5 मतलब आप गुना कर लेते तो यह कट जाता आपका, है ना, और यह कटता तो कितना आता, 35 गुने 4 मतलब 140 ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, प्लीज फटाफट नोट कर लेंगे इसको। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए ध्यान दीजिएगा सब बच्चे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है क्वेश्चन, गौर कीजिएगा। यदि वंदना की आय आरती की आय से 25% अधिक है, तो मान लीजिए वंदना को मैंने बी मान लिया और आरती को मैंने ए मान लिया, ठीक है। वंदना की आय आरती की आय से 25% अधिक है, तो मान लीजिए कि यह अगर 100 रुपये कमाती होगी तो यह कितना कमाती है, 125 रुपये कमाती होगी। तो पूछ रहे आपसे क्या कि यह 25% अधिक है, यह 25% क्या है दोस्तों, अधिक है। तो पूछ रहे आपसे क्या कि वंदना की आय, यानी सॉरी आरती की आय वंदना की आय से कितना परसेंट कम है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि यह जो है इससे कितना परसेंट कम है। तो खुद देखिएगा आप यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर करना क्या है आपको, 125 से हो गया 100, कम कितना है, 25 कम है, कितना से, 125 से, तो 100 से कितना, तो यह आ जाएगा 25 25 और 5 20 से 100, आंसर क्या मारेंगे, 20% आंसर, 20% ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, यह होगा आंसर इसका 100%। इसका मैं एक रूल दे रहा हूँ आपको याद रखना कि R इंटू 100 बटा में 100 प्लस माइनस R, ये रूल आपका काम आने वाला है जब भी इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछेगा, तो दोस्तों ये रूल जरूर अप्लाई करना आप, ठीक है ना, ये रूल को जरूर अप्लाई करना। मैं नोट कर दिया हूँ यहाँ पर, जैसे 25% वृद्धि हुआ है तो आप क्या करेंगे, 25 इंटू 100 यह कर दिए, तो वृद्धि हुआ है तो 100 प्लस करेंगे, कमी होगा तो माइनस करेंगे, देखो तो प्लस माइनस दोनों में यहाँ रखा हूँ, तो यहाँ पर 125 कर दिए,
जब मैंने छोटा किया तो यह 5 बार में और 5 विशेषाओं यानी 20% इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, फटाफट नोट करते हुए चलेंगे आगे, जल्दी जल्दी नोट करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 24 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए गौर करते हैं 24। 24 में दोस्तों यह कह रहा है कि देखो जी, क्वेश्चंस मैं आपको फिर से एक बार रीड करना चाहूँगा। हाँ, ये देखिएगा कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः आधी कर दे, मतलब ये जानते हो आप लोग कि लंबाई यह हो गया, चौड़ाई यह हो गया, तो एरिया यह होता कि नहीं होता है, एरिया वही रहेगा। यानी मैं यह कह सकता हूँ कि जब एल में 20 से गुना करूँगा तो क्या निकलेगा, एल बी, यह इसका एरिया निकलेगा। कुछ तो बोलिए, यह एल बी निकलेगा और यही क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। अब दोस्तों जब हम यह कह रहे हैं कि जब लंबाई को आधी कर देंगे, मतलब जो पहले एल था अब एल बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना, और चौड़ाई हमारा दुगनी, दुगनी मतलब टू भी हो जाएगा। तो दोस्तों उस केस में आप, अगर मैं इसको काम करूं तो यह 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एल बी ही आएगा, मतलब एरिया क्या निकलेगा, ए निकलेगा। देखो इन दोनों में कोई फर्क नज़र आ रहा क्या, एल बी और यहाँ भी एल बी, कोई परिवर्तन है नहीं है, मतलब 0% चेंज आएगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रहा सब बच्चों को, इसलिए आप काम कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, 100% आपका आंसर सही आने वाला है, बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा तरीके से। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये 24 था ना हमारा क्वेश्चन, ये 24 ही था, ये 25 होगा लगता है, चलिए कोई नंबरिंग इधर उधर हो गया होगा। बोल रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्याएं से 20% और 50% अधिक है, तो मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया और ये हमारा थर्ड नंबर हो गया, ठीक है ना। तो देखो यह हमारा अगर 100 है तो यह 120 होगा और यह हमारा 150 होने वाला है। तो पहली के संदर्भ में दूसरी संख्या का परसेंटेज ज्ञात करें, दूसरी संख्या का परसेंटेज, दूसरी संख्या को ऊपर रखो पहली को नीचे इंटू 100। ये बोल रहा है कि पहली संख्या के संदर्भ में दूसरी संख्या का परसेंटेज, दूसरी संख्या ऊपर रहेगा पहली संख्या नीचे इंटू 100, जिसके संदर्भ में निकाला जाता है वो उसको हमेशा नीचे रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो यह जीरो कट जाएगा और मैं इसको छोटा करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप पाएंगे क्या कि मैं 3 से कट करता हूँ, 3 5 15 और 3 4 12 और यह हो जाएगा 25 बार में, तो 25 × 5 मतलब 125%, ऑप्शन में है कि 125%, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिएगा, समय आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपली मैं वही बात कर रहा हूँ जो आपको जानना चाहिए, जितना आपको जानना है उतना ही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ना। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिए, यह क्वेश्चन को ध्यान से देखो पढ़ो। देखो क्वेश्चन मुझे लगता है पढ़ लिए होंगे अब तक, कह रहा क्वेश्चन में क्या दोस्तों कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को कुल अंकों का 780 अंक चाहिए था, ठीक है ना। देखो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 780 अंक चाहिए था इसको, सोनू को 728 अंक मिले हैं, लाना था कितना, 780 मिला, कितना, 728 मिला, जो उसे 5% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो एक बात बताओ, 780 चाहिए था, मिला कितना, 728 मिला, तो 780 में से 728 घटा दीजिए आप, कितना आएगा, 10 - 8 = 2, 7 - 5 = 2 = 52, ठीक है ना। अब ये जो 52% है वह 5% के समान है, मैंने यहाँ पर 52 कर दिया, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो 52/5 × 100 यानी कि यह 20 से कट जाएगा, 1040 यह निकलेगा हमारा कुल मार्क्स, किसी परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, कितने अंक नहीं, कितने परसेंटेज, क्योंकि फसल परसेंटेज में दिया होगा, देख रहे ना परसेंटेज में। तो दोस्तों हमें परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो देखो आप ये बताओ कि एग्जाम में पास करने के लिए कितना चाहिए था, 780 चाहिए था, ये 780 अंक चाहिए था, तो 780 ऊपर कर दीजिए, ठीक है। कुल अंक कितना का था, तो 1040 का, 1040 यहाँ कर दिए इंटू 100, यह कर लेंगे तो यहाँ से 1010 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर मैं कट करता हूँ 13 बार, चलो 10 है, यह 8 बार में कटेगा, 13 6 78, 60 बार में कटेगा, मतलब 60 हो गया, नीचे 8 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया, 2 4 8, 15 6 60, 15 × 10 मतलब 150, ठीक है ना, 15 × 60 मतलब 150, कोई बात समझ में आया आपको।
जस्ट ए सेकेंड, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ ना, मुझे लगता है कहीं मैं इसमें कुछ गड़बड़ किया हूँ। जस्ट ए सेकेंड, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह आपका कुल मार्क्स हो गया, आपका 1040 आपका कुल मार्क्स हो गया, ठीक है। 780 अंक चाहिए था, तो 780 में आपको 5%, 780 अंक चाहिए था उसको, ठीक है ना। तो 780 अंक उसको लाना था जी, 780 मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। 1040 यहाँ हो जाएगा इंटू 100, यह हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कट करूँ इसको, तो ये जीरो कट जाएगा, और 13 से कट करूँ, 13 8 74 से, यह 8 हो जाएगा, 13 6 78 60 हो जाएगा, 2 6 8 15 6 60, और यह हो जाएगा 2 5 10, यानी 15 5 75%, ये 75% आंसर आएगा बाबू ना, ठीक करना है। मुझे लगता है गलती मैंने उस आदमी मिस्टेक कर दिया था कट करने में। इसका सही आंसर जो आने वाला है वो आपका कितना आने वाला है दोस्तों, 75%। यहाँ से देखिएगा, देखो आप यहाँ समझिएगा, 780 अंक उसका कुल परीक्षा में पास करने के लिए चाहिए था, लेकिन लाया कितना, 728, तो पास होने से कितना रह गया आपका, 52 अंक रह गया। तो यही 5% की वजह 52 अंक है, तो 100 का मान कितना, 1040 हो गया। 1040 में से लाना था कितना, 780, तो 780 बटे 1040 इंटू 100 करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 75%। और 75% ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। वही थोड़ा सा गुना भाग करना अच्छे से करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लिए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सिंपली आपको करना यहाँ पर यह था कि देखो, 5% का मान अगर मैं निकालने गया था, मैं साफ साफ लिख देना चाहता हूँ, 5% का मान 52, तो 100 का मान अगर आप निकालते हैं 1040 आ गया, ये आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा, टोटल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमें परीक्षा को पास करने के लिए 780 चाहिए था, तो मैंने 780 लिख दिया, कितना में से, 1040 में से, तो 100 में से कितना, तो यह 1 0 1 0 कट गया, 13 8 74 से, 13 6 78, 2 4 8, 15 4 60, 2 5 10, और 15 5 75%, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ये आंसर बनेगा। बस सिंपली आपको इतना सा काम करना था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। 27 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, देखो जी, इसे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं था। ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है, मतलब 80% क्या करता हो खर्च, और यहाँ पर वही दिया है, दिया है मतलब 80% का मान आपके पास 6000 है, 6000 है, तो पूछ रहा है कि मासिक बचत क्या थी, बचत क्या थी, 20% थी, 20% थी, तो यह 20% निकालना है, यह 20% निकालना है, तो 80 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, नहीं आते, 4 से यहाँ पर डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 1500, 1500 है ऑप्शन में, ऑप्शन में बीस द करेक्ट आंसर। देखो जी, आप अगर यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो दोस्तों, आप यहाँ क्या पाएंगे कि अगर 80 का मान 6000 है, तो 20 का मान निकालने के लिए या तो 6000 बटे में 80 × 20 करेंगे, तो 20 × 80 ये 1500 आएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा सब बच्चों को कि नहीं आ रहा, ईमानदारी से बताना, सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक मैसेज या व्हाट्सएप या फिर आप कमेंट में जाकर मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रतिक्रिया। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो आप यहाँ बताएं, देखो ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% कम है, मतलब यह 100 रुपये कमाता होगा तो यह 80 रुपये कमाता होगा, और 20 रुपया कम कमाता है ना जी, 20 रुपया क्या करता है, कम कमाता है। तो पूछ रहा आपसे क्या क्वेश्चन में, ये 20% कम कमाता है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, मतलब यहाँ से यह जो कितना अधिक है, तो देखो यह 80 है और यह 100 है, अंदर कितना का, 20 का, कितना से, 80 से, तो 100 से कितना, तो 20 चौके और यह 4 25 से 100, मतलब 25% का वृद्धि होगा, 25% ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, यह ऑप्शन आपका सही निकलेगा। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या, कोई समस्या नहीं ना, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए गौर करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कहता है, 29 में, 29 में कि देखो, 100 रुपया की किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर से कीमत में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो कुल कीमत में कितना बढ़ोतरी होगी। दोस्तों आप ये बताओ कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु का दाम 100 रुपया है, ठीक है ना, अब ये समझिएगा किसी वस्तु का दाम कितना है, 100 रुपया, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 100, यहाँ से देखिएगा, मैंने यहाँ पर कर दिया 100, यह कर दिया, 10% वृद्धि हुई है, मतलब 110%, यहाँ भी 110%, ठीक है। अब यह करो, या अगर उतना नहीं कर सकते हैं तो आप ये समझिए कि 10 मतलब कितना होता है, 10% मतलब 1/10 वृद्धि होगा, तो 11/10 हो जाएगा, दो बार वृद्धि हुआ, 11/10 हो जाएगा, यह और यह कट गया हमारा,
121, मतलब जो चीज़ पहले 100 में था कितना मिल रहा है, 121 में, तो वृद्धि कितना का हुआ, 21% का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या है किसी बच्चे को? चलिए, कोई समस्या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर यह है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि देखो, पानी में 80% सॉरी 20% अल्कोहल में 32% 32 लीटर घोल में 8 लीटर पानी मिलाया जाता है। मतलब ध्यान से देखो, ये 32 लीटर का घोल है और यहाँ पर बोल रहा है कि यह अल्कोहल हो गया और यहाँ पर हो गया वाटर, ठीक है ना, ये वाटर। तो अब ये बताओ कि 20% मतलब क्या, 1/5, 20 मतलब कितना, 1/5। तो अब बताओ कि 32 का अगर मैं निकालता हूँ, 20% मतलब 1/5 हो जाएगा, है ना, 1/5 हो जाएगा। तो मैं डिवाइड करूँगा तो 5 6 31 हो जाएगा, 5 6 31, तो 5 2 20, यह हो जाएगा दोस्तों। यह हमारे पास यह बनेगा, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, और बाकी जो बचेगा वाटर बचेगा, है ना, बाकी क्या बचेगा, वाटर। तो ये आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये निकालने की जरूरत ही नहीं आपको। क्यों? क्योंकि लास्ट में बोल रहा है कि अल्कोहल की अनुमानित सांद्रता ज्ञात करें, मतलब तो उसका परसेंटेज ज्ञात करें। तो देखो, अल्कोहल तो हम मिला नहीं रहे हैं, मिला क्या रहे, पानी, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी। ध्यान सुनो, हमें मिलाना है पानी, तो अल्कोहल जो शुरुआत में है तो लास्ट में भी अल्कोहल वही रहेगा, तो मैं लास्ट में अल्कोहल रखना है, तो 4 6.4 कर दिए। अब देखो, पहले से हमारे पास 32 लीटर मिश्रण था, घोल था, उसमें 8 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 40, या 40 हो जाएगा, और यहाँ पर कर देंगे 100, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से आ जाएगा 0, यह 0 पॉइंट हट जाएगा, यह और यह कट गया हमारा, तो यह कट के कितना आ जाएगा, 16 64, यानी कि 16%। ऑप्शन में है क्या 16% आंसर? यह आपको निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ा, क्यों, चूँकि हमें वाटर से मतलब ही नहीं है, वाटर मिला रहे हैं तो पानी मेरा बढ़ेगा, सिर्फ पानी की मात्रा बढ़ेगा, लेकिन अल्कोहल तो मेरा वही रहेगा। तो हमें लास्ट में तो अल्कोहल ही पूछा है कि अल्कोहल जो है नए मिलियन में अल्कोहल की मात्रा परसेंटेज ज्ञात करें, तो 6.4 कितना में से, पहले 32 था, 8 बढ़ेगा तो 40 में से, तो कितना आंसर आ जाएगा, 6%। योर आंसर विल बी करेक्ट। अच्छे से देख लीजिए एक बार इसको, और कहीं कोई दिक्कत आता है तो प्लीज़ बताइए इसको, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई समस्या किसी प्रकार का नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए, अगर किसी प्रकार का कोई समस्या अगर है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, और जो भी आपकी समस्या है, अगर समझ रहे हैं तो भी और नहीं समझ रहे तो भी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा प्लीज़ 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 कि आप सब्सक्राइब करने के बाद ही इसको वीडियो में आगे बढ़ना। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।